सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप गोंडा जिला के वासी हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक गोंडा जिला के नाम से जाना जाता है। गोंडा जिला उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग की ओर बसा है। इस जिले का हेडक्वार्टर गोंडा शहर में मौजूद है। गोंडा जिला देवीपाटन डिवीजन के अंतर्गत आता है और देवीपाटन डिवीजन का हेडक्वार्टर गोंडा शहर में ही स्थित है। गोंडा जिला पहले साल 1856 तक अवध का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में गोंडा को अवध से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था। बलरामपुर जिला पहले गोंडा जिले का ही हिस्सा हुआ करता था। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय इस जिले में 3 तहसील हुआ करते थे। पहला गोंडा तहसील, दूसरा तरवजगंज तहसील और तीसरा उतरौला तहसील, जिसे 1 जुलाई साल 1953 को उतरौला तहसील को दो भागों में बांटकर बलरामपुर तहसील और उतरौला तहसील का गठन किया गया था। इसके बाद साल 1987 में तुलसीपुर, मनकापुर और कर्नलगंज के रूप में 3 और नए तहसील का गठन किया गया था, जिसे 25 मई साल 1997 में गोंडा जिला को दो भागों में बांटकर बलरामपुर जिला और गोंडा जिला का गठन किया गया था। गोंडा जिला के पड़ोसी जिला का नाम बस्ती जिला, बहराइच जिला, बलरामपुर जिला, बाराबंकी जिला और फैजाबाद जिला है, जिस वजह से गोंडा जिला के उत्तर भाग की ओर बलरामपुर जिला, पूर्व भाग की ओर उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला, दक्षिण भाग की ओर उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला, फैजाबाद जिला और पश्चिम भाग की ओर उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला से घिरा हुआ है। गोंडा जिला का इतिहास देखा जाए तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना और गौरवशाली जिला के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में जाना जाता है। गोंडा जिला के राजा देवी बख्श सिंह एक वीर योद्धा और देशभक्त राजा थे, जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते अपने जीवन को निछावर कर दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने गोंडा जिला को एक नई पहचान दिलाई है, क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने इन जगहों पर 21 वर्ष किया है। गोंडा जिला का नाम राजा दशरथ की गायों पर पड़ा है, क्योंकि अयोध्या के राजा दशरथ की गायें इन जगहों पर चरा करती थी, जिस कारण इस जिले का नाम गोंदर पड़ा, जिसे बाद में गोंडा रख दिया गया था। गोंडा जिला के मुख्य नदी का नाम घाघरा नदी, सरयू नदी और कुआनो नदी है। घाघरा नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 665 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोंडा जिला में 4 तहसील, 16 ब्लॉक, 2 लोकसभा, 7 विधानसभा, 1 न्यायालय, 17 पुलिस स्टेशन, 347 डाकघर, 3 नगर पंचायत, 3 नगर पालिका परिषद, 166 न्याय पंचायतें, 1054 ग्राम पंचायतें, 10 शहर और 1821 गांवों में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 4003 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गोंडा जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 5,41,000 के करीब है और यहां की बोली जाने वाली भाषा हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी है। आबादी की बात करें तो गोंडा जिला जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य का 26वां सबसे बड़ा जिला है। वैसे गोंडा जिला की कुल आबादी 34,34,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 17,87,000 है और महिला की आबादी 16,47,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 921 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 921 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 27,38,000 है, लगभग 79% और मुस्लिम धर्म की आबादी 6,80,000 के करीब है, लगभग 20% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में
कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है जिसके माध्यम से गोंडा जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गोंडा जिला में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, नंदनी नगर कॉलेज, मीना शाह डिग्री कॉलेज, किसान डिग्री कॉलेज और लखनलाल सारण सिंह कॉलेज इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 59% के करीब है। गोंडा जिला के 34,34,000 की आबादी में 20,16,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 12,40,000 पढ़े लिखे हैं लगभग 69% के करीब और महिला 7,76,000 पढ़ी लिखी है लगभग 47% के करीब है। जानकारी के लिए बता दें, गोंडा जिला में कुल मिलाकर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, 10 महाविद्यालय, 2396 प्राइमरी स्कूल, 1066 मिडिल स्कूल और 221 हाई स्कूल स्थित है। व्यवसाय की बात करें तो गोंडा जिला के आबादी के अनुसार इस जिले में 11,71,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 11,71,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ के आबादी के अनुसार लगभग 34% के करीब है। वैसे गोंडा जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। घाघरा नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका पूरा इलाका काफी उपजाऊ है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, मक्का और तंबाकू यहाँ के मुख्य फसल है। खनिज के मामले में गोंडा जिला की मुख्य खनिज बालू है। इस जिले में चीनी मिल के कारखाने भी स्थित है। इसके अलावा कई और छोटे छोटे व्यवसाय यहाँ पर स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में कई सारे महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्थल हैं, जिसके माध्यम से टूरिस्ट इन जगहों का सैर कर सकते हैं। गोंडा जिला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार श्री स्वामी नारायण मंदिर, पृथ्वीनाथ मंदिर, पार्वती महादेव, छाली धाम, मिनैया वाले बाबा की दरगाह शरीफ और गोंडा जिला के कुतुब सदरुद्दीन शाह बाबा की दरगाह शरीफ जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। गोंडा जिला सड़क और रेल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 330B गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गांव तक बस सेवा मुहैया कराती है। गोंडा जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम गोंडा रेलवे जंक्शन है, जो गोरखपुर गोंडा लाइन पर स्थित है। गोंडा रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन के लखनऊ रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, गोंडा जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।